दोस्तों, ये जो हट देख रहे हैं आप, कई महीने पहले मैंने बना करके तैयार किया था, तो मैंने छोटा सा क्लिप इसमें दे दिया है, क्योंकि आप देखिएगा कि मैं जो पहले जो मैं बनाती हूँ और जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जेट प्लांट्स की टोपियारी जीरो बजट में मेरे यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में हजारों तरह की ऐसी DIY पड़ी हुई हैं, तो जाकर के उसमें देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में, और मेरे यूट्यूब परिवार को बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने सोचा कि फ्रेंड्स, अब वो समय आ चुका है जो जेट प्लांट्स की फुल ग्रोथ अच्छे से हो चुकी है और इतना जंगल जैसा हो गया, तो मैंने सोचा कि अच्छे से जो डी शेप में हो रहा है, तो अपने व्यूअर फ्रेंड को क्यों ना मैं बताऊं, जो वो भी जीरो बजट से गार्डनिंग कर लें। और करने के साथ साथ में जो फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ ना, तो मैं वो करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज जो डी शेप में बिल्कुल जंगल जैसा हो गया। अब ये क्या, बारिश का समय है तो मैंने खुली छत पर रख दिया इसको, रेलिंग पर, तो वहाँ पर पानी की खूब इसमें अच्छे से नाइट्रोजन भर भर करके मिला। कोई मैंने 1% इसमें जेट प्लांट्स जितने भी कोई ऐसी फर्टिलाइजर को मैंने नहीं डाला है, जो उसमें कहने का उसमें जो है कोई फर्टिलाइजर ऐसे नहीं डाला, फिर भी देखें कितना घना और जंगल बन गया है। तो फ्रेंड्स, इसका शेप कैसे देते हैं, क्योंकि घन जंगल भी हो गया और डी शेप में भी हो गया और टेढ़ा बकोड़ा भी हो रहा है ये, तो आज चलते हैं किस चीज़ से मैं शेप दूंगी, कैसे मैं क्या करूंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी, ताकि फ्रेंड्स आप लोग भी कर सकते हैं जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और पैसा भी खर्चा करते हैं, उस हिसाब से नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं चारों तरफ से इसको घुमा करके दिखा दे रही हूँ पहले, कि आप देखिएगा कि कितना डी शेप में हो गया है ना, और झुक भी रहा, तो इसका शेप देना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, हाँ, आप लोगों से एक चीज़ कहना मैं भूल रही हूँ, कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं लोग बाग, तो जीरो बजट में कैसे गार्डनिंग की जाती है वो माँ क्रिएटिव किचन गार्डन से सीखें। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अपने व्यूअर फ्रेंड को, और भी जो मेरे नए नए व्यूअर फ्रेंड मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने सोचा कि चलिए कर करके दिखाती हूँ। ये जो मैंने बांस की पतली सी डंडी ली, तो इसको मैंने एक साइड में ऐसे पहले गाड़ दिया, गाड़ने के बाद में इसको इसमें वैसे मतलब दबा दे रही हूँ। दबाने के बाद में अब ये फ्रेंड्स देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा किनारे पर इसका होल कर रही हूँ चाकू की मदद से, ताकि ये तार बिल्कुल पतला तार आता है और ये गुच्छों में ढेरों तार मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो मैंने वायर का तार ऊपर लगा करके रखा था, वायर को लगाने के बाद में फिर इनको क्या है, इसमें देखिए मैं लपेट रही हूँ, और दूर से देखेंगे फ्रेंड्स दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल धागे जैसा तार होता है और बहुत मजबूत तार होता है। तो इसमें देखिए अब क्या करना है, इसमें फंसा रही हूँ, फंसाने के बाद में ये इसको शेप में देना है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से शेप में दे दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि अरे कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आप देखिए मेरा वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट्स करना और मत भूलिएगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये। और मेरी प्लेलिस्ट जो है जेट प्लांट्स की, ढेरों प्लेलिस्ट में मैंने तरह तरह की DIY बना करके तैयार कर रखी है, जैसे कि भगवान के कपड़े नहीं फेंकें, उससे भी DIY कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कम मिट्टी में कैसे DIY को तैयार करते हैं, वो भी मैंने सब कुछ दे रखा है। और इस समय फ्रेंड्स क्या है कि कोई मैंने इसमें ऐसी फर्टिलाइज़र यूज नहीं किया है, क्योंकि ये क्या है कि इस समय तो भर भर के खुद नाइट्रोजन प्रकृति हमारी दे रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको देख रहे हैं कि पहले तो चारों तरफ से मैंने अच्छे से बांधने की कोशिश की, बांधने की कोशिश करने के साथ साथ में ये देखिए थोड़ा सा शेप में लगने लगा है। अब ये जो इधर उधर ये जो उनके तने हैं, मतलब ये लताएं, सॉरी, इनकी लताएं जो इधर से उधर जा रही हैं, तो इनको लताओं को कैसे शेप दूंगी वो भी आप देखिएगा, है ना फ्रेंड्स। अब ये देखिए लताएं हैं जो, इनको क्या देना है, बिल्कुल अभी बिल्कुल भर करके एकदम से एक्वल हो गया, बहुत अच्छा हो गया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा हो गया। अब इनको इस तरह से दबाते हुए अच्छे से, क्योंकि इनके आप लोग जानते हैं
जो गार्डनिंग लोग करते हैं वो जानते हैं कि जेट प्लांट्स बहुत नाजुक, अगर जितना हार्डी होता है उतना नाजुक भी होता है। स्टार्टिंग में इनकी लताएं बहुत नाजुक होती हैं और फिर बाद में थोड़ा सख्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या करना है कि पहले इनको मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं करूँगी। अभी मैंने थ्रेड ले लिया, धागा जो कपड़े सिलते हैं ना, तो वो धागे से लिया। धागे को बड़ा सावधानी से करने की ज़रूरत है, सावधानी से यानी कि जो है ये मतलब थ्रेड के थ्रू कट भी सकता, बिल्कुल चाकू के तरीके हो जाता ना, तो इनकी लताएं बहुत नाजुक होती इसलिए कट जाता है। हालांकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि लताएं कहीं से अगर कट जाएंगी तो वहीं से फिर नया पौधा या नए जो है लताएं, कई एक लताएं तैयार हो जाती हैं। जेट प्लांट्स, तो ये जेट प्लांट्स जो है अपने आप में बड़ा लकी प्लांट्स कहते हैं। ये क्रासुला फैमिली से बिलोंग करने के साथ साथ में ये धन वृद्धि के लिए बताते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन धन वृद्धि के साथ साथ में कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तो धन वृद्धि का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता है। लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, जैसे कि लोग कहते हैं तो मैं एक इसके बारे में ज़रूर किसी ना किसी वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। और ये फ्रेंड्स जितना हार्डी प्लांट्स होता है उतना नाजुक भी बहुत होता है। तो देख रहे हैं कि मैं कैसे आसानी से इस धागे की मदद से इसको चारों तरफ से लपेटते हुए जा रही हूँ। और जो मैंने तार लगाया, आप देखिएगा गौर से फ्रेंड्स कि जो मैंने तार से वायर इसको इसकी शेप दिया है, तो आप देख रहे होंगे कम दिख रहा होगा, है ना, दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो नहीं लग रहा जबकि मैं चश्मा लगा करके देख रही हूँ, लेकिन नहीं दिख रहा है मेरे को। तो आप पतला सा वायर से इसका मतलब ये शेप देने की कोशिश करें, और जब फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो एक बार मेरे से कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जो कुछ समय पहले आपने देखा कि कैसे 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 हम लोग मेहनत करते हैं, तब मैंने आज जाकर के ये जो है सफलता को ये पाया है और आज आप लोगों के सामने रिजल्ट में दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं बार बार कहती थी कि जेट प्लांट्स एक इतना अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव प्लांट्स होता है, बहुत अच्छा प्लांट्स होता है, और इसकी पत्तियाँ इतनी मोटी होती हैं, पत्तियों में क्या है पानी को होल्ड करके रखता है, तो इसी कारण है कि पानी को होल्ड करने के लिए तभी इसमें कहते हैं कि पानी कम डाला जाता है। अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स मैं इनको कैसे आसानी से इन लताओं को ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ले जा रही हूँ। ले जाने के साथ साथ में जब इधर से उधर हो जा रही मैं एक भी तोड़ में टूटने नहीं दे रही हूँ। अभी देखे फ्रेंड्स, अभी पिछले वीडियो में मैंने जो दिखाया थोड़ी सी क्लिप, बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं था, था ना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सालों की मेहनत रहती जो मैंने एक पत्ती से मैं कई एक ट्रे को तैयार करती हूँ, थोड़ी थोड़ी ट्रे में लगा करके रेडी करती हूँ, फिर उसको थोड़ा 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 करके मैं उनको बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, फिर उनको पिंचिंग करती हूँ, तब मैं जा करके कहीं से कहीं ऐसे आप लोगों के सामने ही लेकर के आती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है, जब ये थोड़ी सी मेहनत ही तो है, अगर नेचर के पास रहेंगे तो माइंडली अगर टेंशन भी होगा किसी भी चीज़ का, तो माइंडली टेंशन बिल्कुल नेचर के साथ में रहने से अलग दूर हो जाता है। तो आप एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, देखने के बाद में आपको खुद भी खुद पता चलेगा कि मैं तरह तरह की कैसे DIY बना करके तैयार करती हूँ। हाँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर फ्रेंड हैं या जो नए नए जुड़ते हैं जिन्होंने देखा भी है, वो कहते भी हैं कि मैडम आपके पास में इतनी अच्छी अच्छी DIY बनकर के कलेक्शन तैयार है, शायद ही बहुत कम गार्डन में देखने को इस तरह से मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत करने के साथ साथ मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना फिजिकली इस तरह से करते रहें तो अपना एक एक्टिव भी रहेंगे और साथ साथ में अपना नेचर से भी जुड़ करके रहेंगे। अब क्या करते हैं कि देखिए, जैसे मैंने ये चिड़ियों का इसमें आर्टिफिशियल अंडे रख करके रख दिया तो बनाया था, तो इसको टांगा था। अब ये क्या करना फ्रेंड्स, कैंची से जो थोड़ी थोड़ी निकले भी है ना, तो इनको ऐसे ऐसे काट दीजिए हल्का सा। अब यहाँ से फिर से जंगल सा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो इनको किसी गमले में डाल दीजिए, अपने आप इन दिनों में खूब अपने आप खूब उगाएंगे। अभी देखिए फिर से मैंने इसको टांग दिया है, और नहीं मन करेगा तो हटा भी लूँगी। तो आप फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा ज़रूर बने, और सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।